Hello students, welcome to our new lecture number 2 based on the topic chemical kinetics. In पिछले lecture में हम लोगों ने basic terms, rate law expression, differential form में rate law निकालना, non-differential form में rate law निकालना सीख लिया था. तो start करते हैं अपने topic से molecularity of the reaction. तो heading डाल देंगे आप molecularity. देखिए reaction की molecularity क्या होती है? तो molecularity में sum of reactant species. अब ये रिएक्टेंट स्पीशीज क्या हो सकता है? ये रिएक्टेंट स्पीशीज एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो सम ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज व्हिच कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट. तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं, क्योंकि वही मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट तक जा पाएंगे जो कि इफेक्टिव कोलिजन देंगे. और अगर ट्रांजिशन स्टेट आ गई तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी रही होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन हुई होगी. तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की ही आती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन को पहचानने का तरीका वो है कि जिसमें कि रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करे, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन. और ऐसे में ये काम करने वाले जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी का सम करेंगे उस एलिमेंट्री रिएक्शन में, वही कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी. तो लिख लेंगे आप मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, द सम ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज. स्पीशीज का मतलब एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. द सम ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज विच कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी. तो नोट करके आप लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए. मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई भी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है. ओके और दूसरा पॉइंट मुझे आपको बताना था कि हर एलिमेंट्री रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है. तो एक ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट और लिख लेंगे, एवरी एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट. ओके, जैसे अब आप एग्जाम्पल में समझो मॉलिक्यूलैरिटी. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलैरिटी में N2O4 को डिसोसिएट किया तो ये बन गया 2NO2. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? इस काम को करने में नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज कितने हैं? 1. तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? ओके, दूसरा एग्जांपल समझते हैं. जैसे H2+Cl2 gives up 2HCl, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 2. जैसे SO2+O2 gives up 2SO3, तो यहां पर रिएक्टेंट स्पीशीज 2 और यहां पर 1, तो कितना हो गया सम? 3. ओके, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2, 3. मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ऊपर जा पाना ये पॉसिबल नहीं है, रेयरली ही मिलता है मॉलिक्यूलैरिटी 3 से आगे. तो मॉलिक्यूलैरिटी नेवर बी एक्सीड बाय 3. ओके, इट इज फॉर्मड रेयरली. ओके, तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखते जाएंगे मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड. तो मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें और आपको बता दूं.
molecularity never be zero. कभी zero नहीं होता. आप खुद सोचो, अगर number of reactant species ही नहीं है तो फिर किस बात की molecularity? और अगर ऐसा है ही नहीं तो reaction नहीं operate हो रही होगी, तो molecularity कभी reaction की zero नहीं हो सकती. Okay? Molecularity never be fractional or negative. Fractional भी नहीं हो सकती, negative भी नहीं हो सकती, zero भी नहीं हो सकती. Molecularity always belong to positive integer. यानी कि molecularity आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. Okay? Molecularity never be exceed by 3. 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे. और यहां नेवर नहीं लिखना चाहिए मुझे, कैन नॉट लिख देना चाहिए. कैन नॉट बी एक्सीड बाय 3. रेयरली शोज मोर देन 3. रेयरली शोज मोर देन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मॉलिक्युलैरिटी को लेकर. ओके, यहां तक नोट कर लेंगे. और अब अपना अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो नेक्स्ट स्टडी डाल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्युलैरिटी तो कंप्लीट हो गया. ओके, ऑर्डर पे चलते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बताया जा सकता है. कौन सा रेट लॉ? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बताया जा सकता है. जैसे मॉलिक्युलैरिटी आप देखते ही बता दे रहे थे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं. और एलिमेंट्री रिएक्शन में आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज को ऐड कर रहे हो और बता दे रहे हो कि मॉलिक्युलैरिटी कितनी है. तो ऑर्डर के लिए आपको चाहिए रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो पहला पॉइंट ले लिखेंगे, ऑर्डर इज डिफाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन. एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो अब ऑर्डर ये होता क्या है? तो इसके लिए आप एक रिएक्शन समझ लो, एग्जाम्पल, उसी से आपका डेफिनेशन बन जाएगा. जैसे ये ए ए प्लस बी बी गिव्स अ प्रोडक्ट है. ओके, अब अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दे दिया है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, तो वो क्या है? वो है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एम, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर एन. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम प्लस. यानी मैं एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से देखकर ही बता सकता हूं. तो इसी पर बेस्ड अब हमारा डेफिनेशन है. तो डेफिनेशन क्या है? तो लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन. द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन. ओके, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन.
is called order of reaction. तो ये order of reaction M plus N बन गया. इसमें order, ये overall order, overall आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि order with respect to A बताओ, तो हो जाएगा M. Order with respect to B बताया जाए तो हो जाएगा N. Overall order क्या हो जाएगा? Sum. Okay, जैसे इस पे मैं आपको example कुछ करा देता हूं. और example number first, और सबसे पहले आप properties समझ लो, फिर आप example और कर रहे हैं इस पे. तो पहले properties क्या है, जैसे यहां पर properties थी वैसे यहां पर भी properties है. तो order zero हो सकता है, order may be zero. तो पहला point लिख लेंगे, order may be zero. और क्या हो सकता है? Fractional. और क्या हो सकता है? Negative. Order zero हो सकता है, order fractional भी हो सकता है, order negative भी हो सकता है. Okay? Order may exceed by 3. 3 से ज्यादा भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं. जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ग्रेटर देन 3, ये सारी चीजें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पॉसिबल है. ओके, इट इज डिफाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जरूर याद रखिएगा. और अगर एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है तो आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा. किसकी मदद से? डेटा की मदद से. जो एक टेबल वाले क्वेश्चन अभी मिलेंगे अपने को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सेकंड ऑर्डर तो सिलेबस में नहीं है, तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाले में क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें टेबल दे देता है, तो उससे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाते हैं. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे तभी हम ऑर्डर बता पाएंगे. तो ये पॉइंट भी एक मेंशन कर लीजिएगा, इफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवेन, देन बाय सफिशियंट डेटा और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन रेट लॉ विल बी फॉर. तो आप मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल की बात, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल जरा देखें. तो पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, H2 plus Cl2 gives a 2HCl. Okay, H2 plus Cl2 gives a 2HCl. अपने को experimental rate law दिया गया है. वो क्या है? Rate is directly proportional to H2 की power 0, Cl2 की power 0. ये अपने को given. ओके, तो मुझे बताना है इसका ऑर्डर. तो अब इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दिया गया है तो 0 प्लस 0 किया जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं. जैसे H2 प्लस Br2 गिव्स अप 2HBr, जिसका भी एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ वो गिवन, वो क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1/2. अब देखिए, रेट ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन ऐसा है फ्रैक्शनल. तो अब यहां पर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है. ओके, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1 + 1/2, यानी कि ऑर्डर कैसे हो जाएगा? 3/2. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं.
H2 plus I2 gives up 2HI. और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ये गिवन है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, और आपको बताना है इसमें ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 1 प्लस 1। अगर यही HI का डिसोसिएशन होता तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 2HI gives up H2 plus I2, ओके। और इसका, और यहां गोल्ड की सरफेस लेते हैं, इस सरफेस पे आके इसका डिसोसिएशन होता है तो एड्सॉर्ब करता है, एड्सॉर्ब। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HI की पावर 0, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। ये एक्चुअल में भी इनके रेट लॉ है इन रिएक्शनों में, ओके। तो यहां तक तो पहले आप नोट कर लीजिए। अब अगर अपने को रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया गया तब हम उसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, तो देखिए यहां पर इस पॉइंट पे मैंने जिक्र भी किया इस चीज का, इफ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन देन बाय सफिशिएंट डेटा, न्यूमेरिकल वाले में आगे टेबल के फॉर्म में दे दे हमें डेटा और उसकी मदद से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बना लें, और अगर वो नहीं दे सकते तो मैकेनिज्म बता दो, तो मैकेनिज्म से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बना देंगे, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन, इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन, ओके, तब अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी के आगे एग्जाम्पल पढ़ा देता हूं, ओजोन का डिकम्पोजिशन। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, चलिए देखिए। एक्चुअल में रिएक्शन तो है 2O3 gives up 3O2, ये रिएक्शन 2O3 gives up 3O2, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये फिजिबल भी है डिकम्पोज होना, थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो फिर ऐसे में मैकेनिज्म होनी चाहिए, मैकेनिज्म से ऑर्डर बन जाएगा। तो देखिए मैकेनिज्म में पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, जिसमें O3 डिकम्पोज होता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, यहां पे के इक्विलिब्रियम लिखेंगे रिवर्सिबल है तो। और स्टेप नंबर 2, यहां पर O3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 बना देता है, कितने O2 बन जाएंगे, 2O2। अगर आप इन दोनों स्टेप को ऐड कर दोगे तो यही बन जाएगा, यानी ये एक ऐसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, जो कि इन दो एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है, ऐसी रिएक्शन की हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है तो मैकेनिज्म के थ्रू हम रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेंगे। किसी भी मैकेनिज्म में यह जानना बहुत जरूरी है कि इसका सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, जैसे ये दो स्टेप की मैकेनिज्म है तो इसमें पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में से कौन सा स्टेप स्लो है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप। तो इस रिएक्शन में जैसा मैं आपको बता दूं कि सेकेंड स्टेप कैसा होता है, स्लो, और पहला स्टेप कैसा होता है, फास्ट, यानी कि ये हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। मैकेनिज्म में जब न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, क्वेश्चंस इस तरीके के दिए जाएंगे,
तो आपको क्वेश्चंस में मैकेनिज्म दी जाएगी, बट एक दो रिएक्शन आपको पता भी होना चाहिए, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन के बारे में तो आपको मालूम ही होना चाहिए, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओवरऑल पी ब्लॉक में भी ये ओजोन का डिकम्पोजिशन है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ओके चलिए देखिए, बट बाकी सारे क्वेश्चन में आपको देगा मैकेनिज्म के स्टेप लिखे देगा। तो कैसे सॉल्व करना है, किसी भी रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर दो या दो से ज्यादा स्लो स्टेप है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये हमारा एलिमेंट्री स्टेप है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, नॉन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो O3 के एक्टिव मास के पावर 1 और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं इसकी पावर भी 1। ओके तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1 लिखने की खैर कोई जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन आप देखिए क्या नेट रिएक्शन में आपको O दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन कैसा है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट नाम का कुछ भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता। इसका मतलब मुझे ये इंटरमीडिएट हटाना पड़ेगा, मुझे तो O3 या रिएक्टेंट जो भी है उनके टर्म्स में ही लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रिएक्टेंट में O तो है नहीं, रिएक्टेंट में तो सिर्फ O3 है। ओके तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, देखिए उस वाले ऊपर वाले स्टेप पे जाइए, तो आप K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O2 का एक्टिव मास, O का एक्टिव मास अपॉन O3 का एक्टिव मास, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से देखिए नेसेंट ऑक्सीजन O की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम O3 इनटू O O3 इंटू O2 की पावर माइनस, है ना, O की जगह पर क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2, तो O2 की जगह पर O2 की पावर माइनस। इस वाली वैल्यू को यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पे आप लगा दीजिए, तो आपका बन जाएगा रेट इज इक्वल टू, इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब आप ओपन करेंगे तो एक K आएगा रेट कॉन्स्टेंट, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है तो इसके बाद यहां पर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के O3 और नेसेंट ऑक्सीजन O, बल्कि आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको छोड़ दो, ये हो गया आपका रेट का एक्सप्रेशन जिसमें K भी है रेट कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू के O3 है ना, तो ये वैल्यू हम कहां पुट करना है, यहां पर K O3 और O की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, K इक्विलिब्रियम इनटू O3 और O2 की पावर माइनस, O3 की जगह पर, O की जगह पर फिर से देख ले एक बार कैसे लाया वो, K इक्विलिब्रियम इनटू O3 अपॉन O2, तो O2 की जगह पर O2 की पावर माइनस 1। अब आप देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, तो K इनटू K इक्विलिब्रियम O3 की पावर आ गया 2 और O2 की पावर आ गया माइनस 1। ओके ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक बड़ा कांस्टेंट K डैश, ऐसे मान लीजिए K डैश कांस्टेंट हो गया, O3 की पावर 2 हो गया, O2 की पावर माइनस 1 हो गया, रेट ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके और अगर ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो इसमें ऑर्डर कितना आपको दिखाई दे रहा है, तो अलजेब्रिक सम कीजिए। ओके अभी जरा तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O3 कितना आ रहा है, 2, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 ये कितना आ रहा है, माइनस 1, और ओवरऑल ऑर्डर
2 प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस 1, ये ओवरऑल ऑर्डर। सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर पीएच, और यहां से देखने से लग रहा था सेकंड ऑर्डर होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बिना एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के कुछ नहीं बता सकते, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते। ओके, नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन पर बेस्ड ये दो क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फॉर्म करने पर बेस्ड अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, अब आप ये क्वेश्चंस नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है CO गैस प्लस Cl2 गैस मिलकर बनाता है COCl2, ये रिएक्शन है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कैसे पता मुझे, क्योंकि इनके नीचे मैकेनिज्म में एलिमेंट्री स्टेप किए गए। अब उसके एलिमेंट्री स्टेप क्या है, तो मैकेनिज्म हेडिंग डाल के स्टेप 1 2 3 ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप में Cl2 टूटता है Cl+Cl, ये फास्ट स्टेप होता है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 होता है, रिवर्सिबल है। स्टेप नंबर 2 में CO इस Cl के साथ कंबाइन करके COCl बनाता है, ये भी फास्ट स्टेप है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है। तीसरे स्टेप में COCl Cl2 के साथ मिलकर COCl2 बनाता है और साथ में Cl निकालता है, और ये स्लो स्टेप है। और आपको डिफाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अगर ये स्लो स्टेप है तो ये हो गया हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे आएगा आंसर बताइए। स्लो स्टेप ये है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू COCl का एक्टिव मास और Cl2 का एक्टिव मास, यानी R=K COCl का एक्टिव मास और Cl2 का एक्टिव मास, ये है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन आप रिएक्शन में देखिए कि आपको COCl दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो आपको फिर से इंटरमीडिएट को क्या करना होगा, रिप्लेस। तो Cl2 दिख रहा है लेकिन CO नहीं दिख रहा, तो आपको इसको COCl को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आप इस वाले स्टेप को देखेंगे और इस वाले स्टेप को देखेंगे, तो Cl भी नहीं दिख रहा और COCl कहां रखा होगा इस वाले स्टेप में। तो जब इसका K2 आप फॉर्म करेंगे तो लिख भी लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसका K2 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, K2 = लिखेंगे, K2 = ये आ जाएगा COCl का एक्टिव मास अपॉन CO का एक्टिव मास Cl का एक्टिव मास, यानी इस तरीके से ये बन गया COCl के लिए हम लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ COCl इज इक्वल टू K2 इंटू CO का एक्टिव मास इंटू Cl का एक्टिव मास, K2 CO का एक्टिव मास Cl का एक्टिव मास, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब देखिए मुझे Cl को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि Cl भी नहीं मिलता, तो Cl को हटाएंगे पहले वाले स्टेप से, तो K1 = आप क्या ले सकते हैं, Cl के एक्टिव मास की पावर 2 अपॉन Cl2 का एक्टिव मास। तो यहां से Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ Cl, तो एक्टिव मास ऑफ Cl आ जाएगा K1 और Cl2 का एक्टिव मास, और ये इस पूरे की पावर हाफ स्क्वायर रूट में है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो आप इक्वेशन नंबर 3 में Cl की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो हमारा COCl का एक्टिव मास आ जाएगा K2 एक्टिव मास ऑफ CO, और Cl की जगह पर क्या आएगा, तो Cl की जगह पर आएगा रूट में K1 और यहां पर आ जाएगा Cl2 के एक्टिव मास की पावर हाफ, Cl2 के एक्टिव मास की पावर हाफ। ओके, और K1 कैसा है, रूट में Cl2 के एक्टिव मास की पावर हाफ, ये Cl की जगह पर आ गया। अब आप ये COCl की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ये जो COCl आया है इसकी वैल्यू, जैसे आपने क्या किया Cl वाले को इसमें पुट किया, और अब आप COCl की वैल्यू को इसमें पुट करने जा रहे हैं, तो आपका रेट R = क्या बन जाएगा, K एक्टिव मास ऑफ COCl की जगह पर लिखेंगे K2 CO रूट K1 Cl2 के एक्टिव मास की पावर हाफ,
और साथ में ये वाला सीएल। अब इसमें जितना कांस्टेंट है उसको अलग कर लीजिए तो वो बन जाएगा के के टू रूट के वन और सीओ का एक्टिव मास और सीएल टू के एक्टिव मास की पावर हो गया 1+1/2 यानी 3/2। तो हमारा जो रेट ला एक्सप्रेशन बना वो क्या बना वो मैं लिख दे रहा हूं। आर इज इक्वल टू के डैश सीओ का एक्टिव मास की पावर 1 और सीएल टू के एक्टिव मास की पावर 3/2। ये बना हमारा नेट रेट ला एक्सप्रेशन। तो अब आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 1+3/2 यानी कि 5/2। ओके नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से ये भी सॉल्व कर रहा है। अब आप करके देखो इसको, इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही होना है। पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 2NO+2H2 gives up N2+2H2O। अच्छा मैकेनिज्म क्या है? स्टेप 1 NO+NO मिलके N2O2 बनाते हैं, वेरी फास्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में N2O2H2 के साथ मिलकर N2O+H2O बनाता है, ये वाला स्लो स्टेप है। थर्ड स्टेप में N2O+H2 मिलकर N2+वाटर बनाते हैं, ये फास्ट स्टेप है। यानी हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फिर से मिल गया स्लो स्टेप ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के N2O2 का एक्टिव मास और H2 का एक्टिव मास। ये हो गया हमारा रेट क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन देखिए N2O2 हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। H2 तो ठीक है, N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट। तो अब ये इंटरमीडिएट अपने को क्या करना है, रिप्लेस। कैसे होगा इंटरमीडिएट रिप्लेस तो देखेंगे। N2O2 कहां पर है, पहले स्टेप में N2O2 बन रहा है, तो N2O2 को मैं NO से रिप्लेस करा दूंगा। ओके तो वो कैसे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू N2O2 का एक्टिव मास अपॉन NO के एक्टिव मास की पावर 2। तो यहां से आ गया N2O2 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू NO के एक्टिव मास की पावर 2 N2O2 की जगह। और ये N2O2 यहां पर पुट कर देंगे N2O2 की जगह पर, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा के N2O2 की जगह पर क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम NO के एक्टिव मास की पावर 2 और H2 के एक्टिव मास की पावर 1। ओके तो ये आ गया R इज इक्वल टू के डैश NO के एक्टिव मास की पावर 2 और H2 के एक्टिव मास की पावर 1। ये हो गया हमारा नया रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें हमने इंटरमीडिएट को भी रिमूव कर दिया है। रिएक्टेंट में NO और H2 है, तो अभी भी NO और H2। ओके अब आप देखिए ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, अगर NO पूछा जाता तो हम 2 बताते, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अगर H2 पूछा जाता तो हम 1 बनाते। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हो जाएगा, 2+1 यानी कि 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3। ओके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा 3। और यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया हमारा, यहां का आंसर कितना आया, 5/5। नोट कर लेंगे, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म पर बेस्ड जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे बनाया जाता है। ओके तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। मैकेनिज्म देख के रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना अपने को आ गया, अब वो एक्सपेरिमेंटल डेटा देखकर कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। फॉर द रिएक्शन A+B gives up C, starting with different initial concentration of A and B, initial rate of reaction were determined graphically in 4 experiments. और वो experiments ये आपको given, क्या है ये, serial number 1, 2, 3, 4, ये experimental के number है।
कंसंट्रेशन, नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो मोलर है, मोलैरिटी वाला मोलर, ओके। इसी तरीके से बी का इनिशियल कंसंट्रेशन मोलर में लिया गया है और रेट ऑफ द रिएक्शन मोलर सेकेंड इनवर्स में बताया गया है, ओके। रेट की तो यूनिट ही होती है मोलर सेकेंड इनवर्स, मोलर टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या क्या है जल्दी से मैं बोल दे रहा हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 1.6 × 10⁻³, b के लिए हो गया 5 × 10⁻², और 8 × 10⁻³। सेकंड है 3.2 × 10⁻³, 5 × 10⁻², 4 × 10⁻³। थर्ड एक्सपेरिमेंट में 1.6 × 10⁻³, 10⁻¹, 2 × 10⁻³, और फोर्थ वाले में 3.2 × 10⁻³, 10⁻¹, 8 × 10⁻³। अब आपको बताना क्या है, डिफाइन रेट लॉ फॉर द रिएक्शन फ्रॉम द अबव डेटा, यानी इस डेटा से पूरा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी गिव्स अप सी, तो इसका रेट क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एन, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर एन। ये तो हम लिख ही सकते हैं, मुझे एम और एन निकालना होगा, तो इसी से बन जाएगा मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा इसी से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बिना एक्सपेरिमेंट देखे इतना तो लिख ही सकते हैं। अब यहां से एम और एन निकालना रह गया, एम और एन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मुझे ए और बी ये दोनों दिए, तो एम और एन के बारे में निकालना है, तो एम और एन कैसे निकालेंगे देखिए। इसमें ए के लिए ऐसे दो एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए जिसमें ए का कंसेंट्रेशन सेम है, तो होगा क्या, ए वाला कंसेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाला कंसेंट्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन बी वाला कैंसिल नहीं होगा और उससे एन आ जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे में दो ऐसे बी के कंसेंट्रेशन उठा लेंगे जिससे बी वाला कैंसिल हो जाएगा तो ए वाले का आ जाएगा आंसर, ओके। तो जैसे बाय एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको थोड़ा लेंथी करके समझा रहा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आप शॉर्टकट अपने आप ही लगाने लग जाओगे, ओके। तो बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 उठा लेते, तो आप देखिए इसमें रेट क्या दिया है, तो 1 में दिया है 10⁻³ इज इक्वल टू के 10⁻³। रिएक्शन नहीं बदलेगी तो रेट कॉन्स्टेंट नहीं बदलेगा, रेट कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा, रिएक्शन बदलने पर ही रेट कॉन्स्टेंट बदलता है। तो 10⁻³ इज इक्वल टू के, ए के लिए क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻³ की पावर एन, ओके। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए यहां पर, और दूसरा 5 × 10⁻², की पावर, तो ये आया और यहां पर ये एन, बी का कंसंट्रेशन कितना है इनिशियल, 5 × 10⁻², की पावर एन, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है, 2 × 10⁻³, ये इज इक्वल टू के, ए के लिए 1.6 × 10⁻³ की पावर एम, और 10⁻¹ की पावर एन, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो इन दोनों को आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻¹ भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू, और इधर कितना आ रहा है, ये 5 × 10⁻², है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻², और डिवाइड में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 10 × 10⁻², इस होल की पावर n हो जाएगा, होल की पावर n हो जाएगा, ये भी कैंसिल और 5 × 10, तो यहां पे n बराबर कितना होगा, ओके। अब इसी तरीके से मुझे b के ऐसे दो एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिनका कंसंट्रेशन सेम हो, तो पहला और दूसरा, बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। अब देखिए अब क्या होगा, तो r 10⁻³ इज इक्वल टू k 1.6 × 10⁻³ की पावर m, और 5 × 10⁻², की पावर n,
इक्वेशन नंबर और आगे बढ़ा लेते हैं 4, और दूसरे वाले में 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू के, अब की बात दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 की पावर m, और यहां आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 की पावर m, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा, पहले m कैंसिल हुआ था, देखिए m वाला कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 4 इज इक्वल टू, ये पावर पावर कैंसिल हो रहा है, ये 16, 32, 1 बाय 2 की पावर m, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय 4 को 1 बाय 2 की पावर 2, तो m बराबर कितना आ गया 2, इसको पुट कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू आ गया k a की पावर m यानी 2 और b की पावर n यानी कि 1, ये बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऐसा भी रेट लॉ एक्सप्रेशन हो सकता है, और इसको भी रेट लॉ एक्सप्रेशन ही कहेंगे अगर ये प्रोपोर्शनल में लिखा होगा, इसको भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन ही बोलोगे। ओके, नोट कर लीजिए। और अगर आपसे बोला जाए रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, तो ये एक पार्ट और नोट कर लीजिए। ओके, also define rate constant, तो वो कैसे निकालेंगे, तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लीजिए और उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिए, तो r क्या है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू k, a का कंसेंट्रेशन क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर 2, और यहां पर 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 की पावर 1, यहां से k निकाल लीजिए। ओके, तो आप सॉल्व कर लेंगे, k रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 अपॉन 1.6 इंटू 5 10 to the power of 1.6 into 1.6 10 to the power of minus 6 or 2 minus 8, तो यहां आ जाएगा 10 to the power of 8, तो ये बन जाएगा 10 to the power of 5 divided by 1.6, और यहां 5 भी रहेगा into 1.6 into 5, ये सॉल्व कर लीजिएगा, रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना आपको सिखाया था n, n क्या है 3, और उससे आ जाता था रेट की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर, और ये भी क्या होगा मोल पर लीटर की पावर 3, तो k आ जाएगा उससे। ओके, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये टाइम इनवर्स होगा, इसमें टाइम इनवर्स नहीं होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टडी की तरफ, और अब अपने को पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर लेता हूं, ए ने दिया प्रोडक्ट, ए इज सब प्रोडक्ट, ओके, टाइम टी बराबर जीरो पे, टाइम टी बराबर जीरो पे इसका कंसेंट्रेशन था सी नॉट, तब ये कुछ नहीं, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ए का कंसेंट्रेशन, अच्छा इसको मोल के टर्म्स में भी ले सकते हैं, तो आप मोल के टर्म्स में लोगे तो ए ले लेना ए, और C नॉट कंसेंट्रेशन, टाइम t इज इक्वल टू t पर इसका कंसेंट्रेशन, तो इसका कंसेंट्रेशन हो गया C, और इसका बन गया C डैश, तो अगर मोल के टर्म में लिखोगे तो a माइनस x, और यहां पर x मोल बन गया। ओके, अब हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन सीखा था, तो रेट लॉ बाय रेट लॉ, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा k एक्टिव मास ऑफ a की पावर n, और आप हेडिंग क्या पढ़ रहे हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या है जीरो, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ओके, तो r इज इक्वल टू k a की पावर जीरो, इंपॉर्टेंट रिलेशन आया कि किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का रेट कैसा होता है कांस्टेंट, तो ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, रेट ऑफ जीरो और
इंडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. ओके, तो एक्सप्रेशन बन गया आर यानी रेट इज इक्वल टू के. अब आप रेट की जगह पर क्या लिख सकते हो, तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर जाओगे तो माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए बाई डी टी, माइनस क्यों लगेगा ये सब बता चुका हूं आपको, इज इक्वल टू के. तो माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, के डी टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे, टाइम टी बराबर जीरो से टी के बीच में, टी बराबर जीरो पे सी नॉट कंसेंट्रेशन और सी कंसेंट्रेशन टाइम डी पे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएफ का इंटीग्रेशन एक्स आता है, तो वैसे ही इसका ए आ जाएगा. अगर इसको पावर को चेंज कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो ये सी से सी नॉट इज इक्वल टू के और ये टी जीरो से लेके टी. ओके, तो सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी, ये आ गया अपना एक्सप्रेशन सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी. तो इसका मतलब रेट कॉन्स्टेंट का अगर मैं लिखता हूं तो के इज इक्वल टू आ जाएगा C नॉट माइनस सी अपॉन टी, ये आ गया रेट कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन. और अगर मैं C के लिए लिखता हूं तो C के लिए हो जाएगा, C के लिए मुझे क्या लिखना होगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी, माइनस के टी प्लस सी. ओके, चलिए यूनिट ऑफ के लिखते हैं. तो यूनिट ऑफ के, के की यूनिट क्या है, तो कंसेंट्रेशन माइनस कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन ही रहेगा, जीरो ना कर दीजिएगा, तो मोल लीटर इनवर्स कंसेंट्रेशन का और टाइम इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ओके, और एसआई में हो जाएगा मोल मीटर की पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स, एसआई सिस्टम. चलिए हाफ लाइफ डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो हाफ लाइफ क्या होता है, गिवन टाइम इंटरवल में इनिशियल का आधा हो जाना, तो के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी अपॉन टी है. अगर मैं टाइम टी की जगह पर टी हाफ यूज कर दू तो सी बराबर सी नॉट बाई टू हो जाए, ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू अपॉन टी हाफ, तो ये बन जाएगा सी नॉट बाई टू टी हाफ इज इक्वल टू के. ओके, तो यहां से टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा, टी हाफ को अगर मैं इधर ले आया तो ये आ जाएगा सी नॉट अपॉन टू के, तो वन अपॉन टू के, ये तो कॉन्स्टेंट में हो गया ये C0, तो मैं कह सकता हूं कि T half is directly proportional to initial concentration. तो यहां पर एक और नया स्टेटमेंट मिल गया, half life of zero order reaction is directly proportional to initial concentration. ओके, ये लिख लीजिएगा half life, हालांकि लिखा ही हुआ है आपको लिख लीजिए, half life of zero order reaction is directly proportional to initial concentration जो कि C0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हाफ लाइफ भी डिफाइन हो गया. नेक्स्ट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो देखिए यही पे बताया जा रहा है, टू टी हाफ इज इक्वल टू, जैसे आपका जो रिलेशन आया वो आया a इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन टू टी हाफ आया. तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप बोल सकते हो टू टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू सी नॉट, यानी दो गुना टी हाफ टू हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट. तो टाइम ऑफ कंप्लीशन is equal to 2t half. दो half life में zero order reaction क्या हो जाती है, complete हो जाती है. So this is the time of completion. तो हम लोगों ने zero order reaction का expression पढ़ लिया, half life देख लिया, unit of k देख लिया, time of completion देख लिया. अब जैसे कई किताबों में इसको a not करके भी बोला जाता है, तो उसको भी आप सीख लीजिए,
के इज इक्वल टू, ये बोलेंगे ए नॉट माइनस ए टी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर जीरो, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन टू, ऐसे भी लिखते हैं। इसमें कौन सी बड़ी चीज है, सिंपल सा है भाई एक्सप्रेशन। और आपको एक एक्सप्रेशन और बता, k इज इक्वल टू, अगर आप मोल के टर्म में लिखा तो आप c नॉट की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं a, और c की जगह पर क्या लिख सकते हैं a माइनस x, तो माइ a माइनस a प्लस x, तो कितना हो गया x y, k इज इक्वल टू क्या हो गया x y t, यानी रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ओके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और टाइम ऑफ कंप्लीशन 2t है, तो ये नोट कर लेंगे। और अब इसके आ जाते हैं ग्राफ पे, ओके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या क्या है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप ए नॉट भी बोल सकते हो, टाइम ऑफ कंप्लीशन 2t है, किसके किसके बीच में ग्राफ बनना है, तो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम के बीच में, दूसरा ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन सी वर्सेस टाइम, तीसरा ग्राफ मुझे बनाना है एक्स वर्सेस टी टाइम, और चौथा ग्राफ मुझे बनाना है इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट वर्सेस टी हाफ, अब की बार टाइम नहीं बल्कि टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ। चलिए बना सकते, तो रेट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, आपने खुद ही देखा था आर इक्वल टू के आया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका मतलब टाइम कुछ भी हो रेट कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सी वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाना है, ये रहा इक्वेशन, इसको वाई एक्सिस पे बनाया है, इसको इंटरसेक्ट हो गया, तो सी इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस सी नॉट, तो ये तो वाई एक्सिस हो गया, और ये mx plus c, y is equal to mx plus c, तो स्लोप कैसा है माइनस k, यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, ये है स्लोप, m is equal to tan theta is equal to minus k, ओके ये हमारा स्लोप हो गया, और यहां पर इंटरसेप्ट कितना है c नॉट, तो c नॉट वैल्यू आता है। नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं x और t के बीच में ग्राफ बनाना, तो मुझे x और t के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो वो देखिए x और t, तो x is equal to क्या लिखा है kt, यानी y is equal to mx, टाइम t बराबर 0 पे x की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, यानी कुछ डिसोसिएट ही नहीं हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये डिसोसिएट होता जा रहा है, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इनिशियल कंसेंट्रेशन और हाफ लाइफ, तो ये रहा एक्सप्रेशन t half और initial concentration, तो c naught is equal to k into t half, again y is equal to mx, okay बना लीजिए graph, तो ये complete हुआ अपना zero order reaction, और अब हम चलते हैं first order reaction की तरफ, next study कर लेंगे first order reaction, first order kinetics, तो first order reaction में भी हम लोग एक example add कर लेते हैं, तो a gives a product अगेन, ओके टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, इसका कंसंट्रेशन फिर से वही सी नॉट, ये जीरो, और मोल के टर्म में लेंगे तो ए, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसका सी ए माइनस एक्स, यहां सी डैश और यहां एक्स, ओके रेट ला एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एन, ये हो गया रेट ला एक्सप्रेशन। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो r इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ a, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ a, ओके ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, r की जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस d एक्टिव मास ऑफ a बाय dt,
is equal to k एक्टिव मास ऑफ, तो dt एक तरफ ले जाइए और a को एक तरफ ले आइए, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए बाई ए एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से डी और यहां पर इंटीग्रेट कर दीजिए सी नॉट से सी। तो जैसे ये देखिए वन अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x ln x, तो यहां पर भी ऐसे ही आ जाएगा ln a, ओके, और ये नेगेटिव साइन को हटा देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा मेरा c से c नॉट इज इक्वल टू k t जीरो से t, ओके, तो ये बन जाएगा ln c नॉट माइनस ln c इज इक्वल टू k t, यानी कि एक्सप्रेशन बन गया k t इज इक्वल टू ln c नॉट बाय c, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log c नॉट बाय c, ये आ गया फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log c नॉट बाय c, या फिर दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखूं तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ओके। एक और फॉर्मेट आपको बता देता हूं, तो जैसे अगर मैं ln में ही रहने दूं तो इसको ln c नॉट by c इज इक्वल टू kt, ओके, तो c नॉट by c इज इक्वल टू kt है, तो यहां से मैं ln हटा दूं तो c नॉट by c इज इक्वल टू e की पावर kt आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c नॉट e की पावर माइनस kt, ऐसा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर आप a इज इक्वल टू a एट टाइम t at इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस kt ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, तो ये दोनों फॉर्मेट है आपके पास, ये भी मैं यहीं पे लिख देता हूं c इज इक्वल टू c नॉट e की पावर माइनस kt, ये भी दोनों फॉर्मेट। अब आ रही है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट k, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, आप देखिए आपके पास एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log C नॉट बाई सी, कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन, मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया टाइम इनवर्स यूनिट, ओके, यूनिट आ गया टाइम इनवर्स, यानी कि आप इसकी जगह पर मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आर इनवर्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये है यूनिट ऑफ ये। अब चलते हैं हाफ लाइफ, तो नेक्स्ट है हाफ लाइफ, यहां पर भी वही एक्सप्रेशन रहेगा, हाफ लाइफ गिवन टाइम इंटरवल में इनिशियल का आधा, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log c नॉट बाई c, ओके, तो c नॉट बाई c है, तो टाइम t इज इक्वल टू t हाफ पर c की वैल्यू हो जाएगी c नॉट बाई t, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log c नॉट अपॉन c नॉट बाई 2, तो यहां आ जाएगा c नॉट कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3010 इंटू 2.303, ये आ जाएगा 0.693 अपॉन t हाफ k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, इसका मतलब t हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन, डिपेंड ही नहीं करता, और यहां पर इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, ओके, तो ये था हमारा हाफ लाइफ, हम हाफ लाइफ ही नहीं थ्री फोर्थ लाइफ
7/8 लाइफ, ये सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। जरा उसको भी देख लेते हैं। एक अगर मुझे 3/4 लाइफ निकालनी तो उसके लिए क्या करेंगे? तो एक्सप्रेशन तो वही है, 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी। टाइम टी इज इक्वल टू टी 3/4। 3/4 लाइफ में क्या हो? तो 3/4 लाइफ में C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C का मतलब रिमेनिंग अमाउंट, C का मतलब हो गया रिमेनिंग अमाउंट। तो 3 जैसे हाफ लाइफ में हाफ निकल गया तो रिमेनिंग कितना बचा? हाफ। तो इसी तरीके से 3/4 लाइफ में 3/4 डिसोसिएट हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1/4। ओके, तो 1/4 बचेगा, यानी कि C बराबर हो जाएगा C नॉट बाई 4। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 3/4 log C नॉट अपॉन C नॉट बाई 4। कैंसिल 2.303। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा अपना आंसर K is equal to 2.303 upon T 3/4 log C naught upon C naught by 4। ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 2.303 into 0.3010 into 2 divided by T 3/4। जो कि 0.693 अपॉन इंटू 2 अपॉन टी 3/4। अब यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि हम k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लाए थे, तो हम k की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 कैंसिल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं t 3/4 is equal to 2t half। ये रिलेशन हो गया 3/4 लाइफ और हाफ लाइफ, नोट कर लेंगे यहां तक। और अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ग्राफिकल एनालिसिस। तो अपने को पहला ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे, अगला ग्राफ बनाएंगे एक्स वर्सेस टाइम, फिर अपने को एक ग्राफ बनाना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए। फिर हम ग्राफ बनाएंगे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट। ओके, सी नॉट भी बोल सकते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला, अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन दे दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था R इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर, यानी रेट और एक्टिव मास ऑफ ए के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है? Y इज इक्वल टू एल एक्स। तो ये ग्राफ बना लेंगे ऐसे, ये y एक्सिस पे रेट है और कंसंट्रेशन ऑफ ए x एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू एल एक्स का ग्राफ बन जाएगा पहला। कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो C और T के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो C इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये फंक्शन है। C इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, टी बराबर जीरो पर ई की पावर जीरो यानी 1, C बराबर सी नॉट आ जाएगा। तो यहां कोई पॉइंट है जो कि सी नॉट रिप्रेजेंट करेगा यहां तक, और यहां से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा जो कि ई की पावर माइनस एक्स है। चलते हैं एक्स की तरफ। तो अगर x का ग्राफ बनाना हो तो x का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे?
तो एक्चुअल में देखिए यहां पर c की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, a माइनस एक्स, और c नॉट की जगह a e की पावर माइनस के। ओके, तो यहां से x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a 1 माइनस e की पावर माइनस के। तो x और टाइम को अगर मैं देखूं तो वैसे भी मैं कह सकता हूं टाइम बढ़ने पर x का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो ये x e की पावर x से इंक्रीज करता जाएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। t हाफ और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो t हाफ हाफ लाइफ उसकी फिक्स है, तो ये ग्राफ हो गया। ओके, नोट कर लेंगे हम log c और t के बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। उस तो अब एक ग्राफ बनाते हैं टाइम और log c के बीच, log c वर्सेस t। तो हमारा एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log c नॉट by c को मैं लिख सकता हूं log c नॉट माइनस log c। तो एक बार पहले हम kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log c नॉट माइनस log c, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये log c इज इक्वल टू बन जाएगा log c नॉट माइनस kt अपॉन 2.303। अब इसको हम y एक्सिस पे बना रहे हैं और t को मैं x एक्सिस पे बना रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा स्लोप, और स्लोप कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा डिग्री से, ऐसा m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.30 और ये जो इंटरसेप्ट है ये log c नॉट के बारे में बताया जा रहा है। इस ग्राफ को भी नोट कर लेंगे, ये था log c वर्सेस t। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था, ए ने गिवन प्रोडक्ट, ए गिव्स अ प्रोडक्ट टाइम टी बराबर जीरो पे, इसको ए माना था, ये जीरो था, ये ए माइनस एक्स हो गया था, ये एक्स हो गया था, टाइम टी इक्वल टू टी मूल में तो यही था। अब डीओटी यानी अल्फा वो क्या हो जाएगा, पर मोल कितना डिसोसिएट हुआ, तो ए में एक्स डिसोसिएट हुआ, तो वन मोल में कितना डिसोसिएट हुआ, एक्स बाई ए इज इक्वल टू अल्फा। तो हम एक्स बाई ए की जगह पर अल्फा लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x लिख रहे थे, इसमें k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 1 अपॉन 1 माइनस x अपॉन a लिख सकते हैं, यानी ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा के टर्म में आ गया फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का एक्सप्रेशन। ओके, इसी तरीके से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा था, यहां पर बना दे रहा हूं, ये तो लॉ के टर्म में हो गया, और दूसरा हम लोगों ने लिखा था c इज इक्वल टू c नॉट e की पावर माइनस के। तो c इज इक्वल टू c नॉट e की पावर माइनस के, c की जगह पर क्या लिख सकते थे, a माइनस x इज इक्वल टू c नॉट की जगह a e की पावर माइनस के। अब यहां पर आप देखेंगे तो a से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस x अपॉन a इज इक्वल टू e की पावर माइनस के, और x बाई a को क्या लिख सकता हूं, अल्फा, तो ये अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये लॉग के टर्म में हो गया अल्फा लिखना, और ये सी और सी नॉट के टर्म में हो गया। अब सी और सी नॉट लिखे या कई किताबों में ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी करते लिखते हैं, एक ही मतलब।
कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर जीरो, ओके ये नोट कर लें। अब अपने वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग जनरल एक्सप्रेशन बनाना भी देख लेते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, हेडिंग डाल देंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ एन nth ऑर्डर रिएक्शन। किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू 2.303 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth ऑर्डर के लिए जनरल ऑर्डर जनरल एक्सप्रेशन बन गया, जहां पर n इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। चलिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगा के दिखाता हूं। फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन n की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t, और ये आ जाएगा c की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा c माइनस c नॉट, तो ये आप माइनस 1 से c नॉट माइनस c अपॉन t लिख सकते हैं, ओके। फर्स्ट ऑर्डर में ये नहीं लगता, ये जरूर लिख लीजिएगा, नॉट वैलिड इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाकी सब में लग जाए। जैसे अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए चाहिए, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर n बराबर 2 पुट कर देंगे, तो k इज इक्वल टू 2 पुट करने पर 1 अपॉन t 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन c नॉट, तो ये फॉर्मूला। थर्ड ऑर्डर में 1 अपॉन 2t 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c नॉट स्क्वायर, तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसी nth ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताने के लिए। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में लॉग का टर्म भी आ जाता है, ओके। तो यहां तक नोट कर लेंगे। और एक जो मैंने आपको पहले बताया जनरल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो वो भी लिख लेंगे, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जब मैं आपको रेट कांस्टेंट पढ़ा रहा था तो उसी टाइम पे मैंने बता दिया था, तो R इज इक्वल टू K था और रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर N था, तो K इज इक्वल टू R अपॉन रिएक्टेंट की पावर। अब रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स, और ये रेट कांस्टेंट की यूनिट का एक्सप्रेशन हर जगह वैलिड, तो ये वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये टर्म चला जाएगा टाइम इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट था टाइम इनवर्स। सपोज आप जीरो ऑर्डर के लिए अगर करते हैं तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर करते हैं तो मोल पर लीटर की पावर माइनस 1, यानी लीटर पर मोल टाइम इनवर्स, ये हर एक के लिए लगे, तो यहां पर नोट कर लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समराइज करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक चार्ट बना लेंगे आप इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है, ओके। तो एक कॉलम इसमें रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा कॉलम रहेगा रेट का एक्सप्रेशन, तीसरा कॉलम रहेगा रेट कांस्टेंट के का, जितना हमने पढ़ा है उसी को हम एक जगह पे लिख रहे हैं, तो इससे रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। हाफ लाइफ का रहेगा नेक्स्ट कॉलम, और इसके बाद लास्ट कॉलम रहेगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जैसे देखिए जीरो ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, रेट
के बराबर होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू c नॉट माइनस c अपॉन t, या फिर आप इसको x बाय t भी बोल सकते हो। हाफ लाइफ पीरियड t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट, और यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर में, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन r इक्वल टू ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, k इज इक्वल टू 2.303 log c नॉट बाय c, जिसको हम log a अपॉन a माइनस x भी लिख सकते हैं। C is equal to C naught e की पावर माइनस के टी भी लिख सकते हैं। K is equal to 0.693 upon K. T half is equal to 0.693 upon K, या K is equal to 0.693 upon T half, कुछ भी लिख सकते हैं। Time inverse is the unit. Next आते हैं second order kinetics में, तो इसी की तरह पावर 2 हो जाएगा। K is equal to 1 upon T, 1 upon C minus 1 upon C naught. T half is inversely proportional to C naught. और यूनिट हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर थर्ड ऑर्डर भी बनाए तो इसी के बेसिस पे r इक्वल टू के ए की पावर 3 प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 3, और यहां पर 1 अपॉन 2 टी सी की पावर 2 माइनस सी नॉट की पावर 1 अपॉन सी नॉट की पावर 2। ओके, अभी जनरल एक्सप्रेशन आपको बताया था मैंने, और उसी पर है n की वैल्यू 2 पुट करना, n की वैल्यू 3 पुट करने पर यही सारे एक्सप्रेशन बनते जाएंगे। यहां देखेंगे t half is inversely proportional to c naught, यहां सेकंड ऑर्डर में देखेंगे inversely proportional to c naught है, और थर्ड ऑर्डर में t half is inversely proportional to c naught square। यूनिट हो जाएगी लीटर स्क्वायर मोल की पावर माइनस 2 टाइम इनवर्स। nth ऑर्डर जिसके लिए मैंने आपको बताया ही है r equal to k a की पावर n, तो k is equal to 1 upon n minus 1 into t, जहां n क्या है nth ऑर्डर, 1 upon c की पावर n minus 1 minus 1 upon c naught की पावर n minus 1। फर्स्ट ऑर्डर छोड़कर बाकी आप कुछ भी वैल्यू लगाओगे यहां पर n is equal to 1 मत लगाना, बाकी सब लगाओगे सब मैच चलेगा, यही बताया था मैंने आपको। ओके, t half is inversely proportional to c naught की पावर n minus 1, जहां n ऑर्डर, t half half life period of c naught initial concentration of the reactant। यूनिट ये हर जगह वैल्यू है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर में भी लगा दो वहां पर भी वैल्यू है, लीटर की पावर n माइनस 1, मोल की पावर 1 माइनस n, टाइम इनवर्स। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में भी लगाते हो तो n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो टाइम इनवर्स। ओके, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।